नमस्कार, मैं आप सभी को क्षेत्रवासियों को सर्वप्रथम दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। ये पर्व हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। आज के दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास कर अपने घर वापस लौटे थे, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। परंतु आज हम एक ऐसा त्यौहार मनाने जा रहे हैं, दीपावली को इस उसमें बदल रहे हैं। आज हमारे भगवान राम जो अपना वनवास करके लौटे थे, उनको अपना स्थान उनकी नगरी अयोध्या में मिल चुका है और उनका एक बहुत भव्य शानदार मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता से एक अपील करना चाहता हूं। देखिए, दीपावली पर हम सभी लोग मिलकर एक शपथ लें कि हम स्वच्छता और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे, कि हम अपने देश को, शहर को, घर को, ऑफिस को, दुकान को, हर चीज़ को स्वच्छ रखेंगे। पॉलीथीन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कहीं भी हमें गंदगी मिलती है तो उसे उठाकर हम डस्टबिन में डालेंगे। एक ऐसा प्रण हम लोगों को लेना है, और जिस चीज़ से प्रदूषण फैलता है उस चीज़ को हम अपने उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने आदरणीय विधायक जी और हमारे नगर के यशस्वी पालिका अध्यक्ष आदरणीय बृजेश गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्तिक पूर्णिमा जो लक्की मेला अनुपशहर में लगता है, छोटी काशी नगर अनुपशहर में लगने वाले ऐसे मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा दिलवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल श्री राम जी की नगरी अयोध्या में कैबिनेट बैठक में इस छोटी काशी के मुद्दे को उठाकर और हमारे इस मेले को प्रांतीय मेला घोषित किया है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि ये कदम उन्हीं ने 2009 में उठाया था कि हमारे नगर का, छोटी काशी अनुपशहर का मेला प्रांतीय मेला हो। उसको हमारे माननीय विधायक जी ने और आगे तक लेकर गए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और हमारे आज यशस्वी पालिका अध्यक्ष वर्तमान में बृजेश गोयल जी ने उसकी पैरवी माननीय विधायक जी के साथ मिलकर की, जिस कारण हम इस सफलता को प्राप्त किया है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार आप सभी को पुनः दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।